हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एमपीएससी का, टीएसपीएससी का, या फिर आप कह लीजिए अदर स्टेट्स में जो एग्ज़ाम होता रहा है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, उसको लेकर के हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जो हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के मंथ में जो है आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का और आपका तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो बच्चे जिन बच्चों ने अप्लाई किया है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, तो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और उनको अल्टरनेट डेज में जो है टॉपिक वाइज जो है उनको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, जिससे कि उनको उनकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। चलिए, तो आज हम जो है जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड का जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन कह लीजिए आप, या फिर इसको फ्लूड मैकेनिक्स भी आप कह सकते हैं। तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है इसको फ्लूड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं और इसको हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी भी कहते हैं। सिविल में हाइड्रोलिक्स के नाम से रहता है, लेकिन सिलेबस में हाइड्रोलिक्स के नाम से दिया गया है, तो इसलिए फ्लूड मैकेनिक्स ही है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमने सबसे पहला जो पार्ट डिस्कस किया था, जब पहला लेक्चर जो आपके सामने रखा था, उसमें हमने आपका जो है फ्लूड मैकेनिक्स को डिफाइन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स की क्या होती है उनको डिफाइन किया था, कॉन्टिनम को डिफाइन किया था, फ्लूड किसे कहते हैं उसको डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ फ्लूड जो है कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ में उनका जो डायग्राम है उसको बनाया था, और टाइप्स ऑफ फ्लूड को भी हमने डिफाइन किया था। उसके बाद जो इन सभी टॉपिक के बिहाफ पे जो उनके जो एम सी क्यू क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने रखे थे। तो ये थंबनेल है आपका, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसके बाद अगर मैं आपके पास सामने बात रखूं तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड में जो सेकंड लेक्चर जो आया था उसमें जो आपका डेंसिटी और मास डेंसिटी को हमने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद स्पेसिफिक वेट को हमने एक्सप्लेन किया था, या फिर वेट डेंसिटी आप बोल लीजिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हमने एक्सप्लेन किया था, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने जो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन किया था, और उसके साथ में जो फिर हमने इन्हीं चार प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है हमने फिर आपके सामने जो इनके एमसीक्यूज क्वेश्चन रखे थे। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो उस वीडियो को, उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लेक्चर वन लेक्चर टू के दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे और बेटर आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट की कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम आज डिफाइन करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है कोहेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली है कोहेशन को लिया है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर इज नोन एज कोहेशन। तो कोहेशन एक्चुअल में कहते किसे, कोहेशन में क्या होता है कि अगर वाटर है उसमें हमारे मॉलिक्यूल हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल ए है और आपका ये दूसरा मॉलिक्यूल जिसको मॉलिक्यूल हम बी बोल सकते हैं, हम दो मॉलिक्यूल को लेकर के बात कर रहे हैं और हम कोहेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूड टू ईच अदर इज नोन एज कोहेशन। तो कहने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बना रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वो जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी वो कहलाएगी मेरी कोहेशन प्रॉपर्टी। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की अगर इसमें बात की जाए तो मरकरी इसका सीधा जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मरकरी को आप किसी भी सरफेस पर आप डाल दीजिए, कहीं पर भी, मरकरी जो है उस सरफेस को वेट नहीं करेगी, गीला नहीं करेगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो मरकरी की जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो किसी दूसरी अनदर बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं है, वो आपस में ही इतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बना के रखते हैं, तो इसीलिए वो किसी अदर सरफेस को जो वेट नहीं करते हैं, गीला नहीं करते हैं, तो इसलिए मरकरी से एक अच्छा सा एग्जांपल है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोहेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपके सामने जो है वो है आपका अधेशन।
अदर्शन किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद अनदर बॉडी इज नोन एज अदर्शन। अब यहाँ पर क्या है कि जो मॉलिक्यूल हैं, अगर हम वाटर का सरफेस लें उसमें हम मॉलिक्यूल ले लें ए और आपका या बी ले लें और हम इसमें कुछ चीज़ को डिप करते हैं तो क्या होगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किधर होगा, उस अनदर बॉडी की तरफ होगा। तो वहाँ जो प्रॉपर्टी कहलाएगी वो कहलाएगी अदर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं वाटर। ठीक है, वाटर को हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वाटर को अगर आप देखेंगे, वाटर को किसी भी सरफेस पे अगर आप डालेंगे तो वाटर जो उस सरफेस को जो है वेट कर देगा, गीला कर देगा। तो वहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अनदर बॉडी के साथ रहेगा, आपस में ना रह करके अदर बॉडी के साथ जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अदर्शन। ठीक है ना, और अदर्शन का फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्वेश्चन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर वो किसी भी सरफेस पर उस लिक्विड को डालेंगे तो उस सरफेस को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा, उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन कहते हैं। और एडेशन के केस में क्या होगा, एडेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वो अनदर बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहेगा, इसलिए वो क्या करेंगे, वो जो है उस सरफेस को वेट कर देंगे, तो वो कहलेगी प्रॉपर्टी हमारी एडेशन। फॉर एग्जाम्पल वाटर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर की बात की जाए तो वेपर प्रेशर द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एक्यूमुलेटेड वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अगर वेपर प्रेशर की बात की जा रही तो ये कह रहा है कि जो पार्शियली प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एक्यूमुलेटेड वेपर, एक्यूमुलेटेड वेपर का मतलब कि वो वेपर जो कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जो बने हैं, और वही जो वेपर जब वो स्टीम किसी सरफेस से कॉन्टैक्ट में आई और वो जो वेपर है फिर जो है जो हमारा लिक्विड है उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है ना, एक क्लोज कंटेनर है और उस कंटेनर में नीचे जो है हमने एक बर्नर लगा दिया, क्या लगा दिया, बर्नर। ठीक है, ये एक बर्नर है, तो उस बर्नर से, ठीक है, ये बर्नर है आपका, ठीक है, और ये आपका एक क्लोज वेसल है, ये क्या आपका क्लोज वेसल, ठीक है, क्लोज वेसल है आपका ये। अब इसमें क्या है कि इसमें आधे में हमने क्या वाटर भरा हुआ है, ठीक है, आधे में क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक है, ये हमने इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब नीचे से क्या करेगा, ये इसको स्टीम करेगा, वो उसको गर्म करेगा, इसको बॉयल करेगा, बॉयल करने के बाद क्या होगा, वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका उस वेपर से क्या होगा, बबल्स बन जाएंगे यहाँ पर, और वो बबल्स क्या करेंगे, वो बबल्स जो टकरा के स्टीम जो वापस आएगी तो उसका करेंगे कंप्रेस करेंगे, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे जो रिमेनिंग वाटर रह गया उसके ऊपर, तो ये जो हमारा कहलाएगा इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो ये बहुत एग्जांपल बहुत आसान से तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा। मीन्स ये है कि जब वाटर जिस स्टीम में कन्वर्ट होगा तो ऊपर जो कंटेनर का जो टॉप सर्फेस उस पर टकराएगा तो वाटर वहाँ पर स्टीम क्या करेगी, कंडेंस होगी और उससे क्या होगा, वो अपने वहाँ पर वेपर बना देगी। वेपर जब बनेंगे तो वेपर की जो भी इरेगुलर या बूंद जो भी टाइप जो भी शेप बनेगी वो क्या करेगी, एरिया को कुछ कम करेगी, एरिया को कम करेगी, दिस मीन्स वो स्टीम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, जो रिमेनिंग स्टीम वहाँ पर होगी और वो स्टीम जो फिर वाटर के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करेगी, जो रिमेनिंग वाटर हमारा क्लोज कंटेनर में है, तो वो जो बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, वो बनेगा हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो बहुत आसान से एग्जांपल को लेके मैंने आपको समझाया है, आई होप सो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, द प्रेशर द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एक्यूमुलेटेड वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंप्रेसिबिलिटी। तो अगली जो प्रॉपर्टी वो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है किसे कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड विच डिस्क्राइब द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो
तो इसमें क्या रहा है कि जब चेंज इन वॉल्यूम टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर, तो अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें अगर सिंपल सी बात है कंप्रेसिबिलिटी अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ले लीजिए, आप एक सिलेंडर ले लीजिए, उसमें एक आप पिस्टन ले लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर जो आप इसमें कोई फ्लूड या ले लीजिए, तो आप जब इसको पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, जाहिर सी बात है इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा पिस्टन में, तो क्या होगा, जो यहाँ पर जो भी लिक्विड है, जो भी मीडियम है, वो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं उसे, हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन जो बनेगी, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड विच डिस्क्राइब द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल एप्लाइड प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में जो मैंने आपको समझाया है, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये था इसका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद पिस्टन की पोजीशन चेंज होगी, पिस्टन यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम बटे में आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, जब ये पोजीशन होगी चेंज इन वॉल्यूम बटे में आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और जब ये एरिया घटेगा, रिड्यूस होगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कंप्रेसिबिलिटी होगी, वहाँ किस टाइप की स्ट्रेस करेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पर क्रिएट होगी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बटे में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन, और बटे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये जो अनुपात है ये हमारा कहलाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड विच डिस्क्राइब द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई होप सबको कंप्रेसिबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो प्रॉपर्टी है फ्लूड की वो क्या है, तो इसमें द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या उल्टा हो गया, वहां पर क्या था, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी में जा रहे थे तो वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी में आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बटे में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस था, लेकिन बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस कंप्रेसिव स्ट्रेस बटे में आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा आपका उसमें, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। तो ये जो कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, ये आपको याद है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो रेसिप्रोकल होता है, देखिए ना, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा, अगर हम बल्क मॉडुलस को रेसिप्रोकल कर दें, उसका डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसके से फिर क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा कंप्रेसिबिलिटी, ओके। और आपको इसमें दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, ये आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है उसके उसमें दो प्रॉपर्टी का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। कि पहली प्रॉपर्टी तो इसमें ये है कि अगर सपोज हमारा कोई लिक्विड है, अब बल्क मॉडुलस कैसे बता रहा हूँ आपको, अगर हमारा कोई लिक्विड है और वो हीट हो कर रहे हैं उसको हम, उसमें टेम्परेचर जो उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रेस का जो डेवलपमेंट है पर यूनिट एरिया, जो स्ट्रेस का डेवलपमेंट है पर यूनिट एरिया, उस केस में जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मोटी मोटी मतलब यह है कि मोटी मोटी बात कहने की बात ये है कि अगर आपके किसी लिक्विड को हीट किया जा रहा है, उस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो डेवलप्ड एरिया है पर यूनिट एरिया, वो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या होगा, वो घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो जैसे ही हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसकी जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो डिक्रीज होने लगेगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को हम गैस के केस में देखें, अगर इसी सिचुएशन को हम गैसेस के केस में देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप किसी गैस को उसके प्रेशर को आप बढ़ाएंगे या उसके टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं, तो उसमें सिंपल सा कंसेप्ट ये है गैसेस के केस में कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है पर यूनिट एरिया, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो बढ़ेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है पर यूनिट एरिया, वो उसका बढ़ेगा। और अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए कि अगर किसी गैस को हम जो है टेम्परेचर किसी प्रेशर पर टेम्परेचर पर हम उसको बढ़ाए जाते हैं, तो उस केस में उस गैस का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो इंक्रीज करेगा। आपको ये मोटा मोटा ध्यान रखना है इस बात का, ओके।
लिक्विड केस में डिक्रीज करेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और हमारा जो गैसेस केस में वो इंक्रीज करेगा। बस आपको दो पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर बात करें, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बटे में आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, जो रेशियो है आपका चेंज इन वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम, और वो जो आपका रहता है उसमें चेंज इन वॉल्यूम बटे में आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। तो हमारा होगा चेंज इन वॉल्यूम माइनस के डी वी बटे में आपका वी। तो चेंज इन वॉल्यूम बटे में आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये माइनस में क्यों आया, नेगेटिव साइन इसलिए लिया हमने क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो एरिया है वो डिक्रीज होगा जिसमें वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी आएगी, तो इसलिए हम नेगेटिव का साइन लेंगे। तो वो हमारा क्या लगेगा, माइनस डी वी अपॉन वी जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है, तो हो सकता है फार्मूला डाल दे तो आपको बताना होगा। और जो बल्क मॉडल्स है उसमें भी आपको बता दूँ, बल्क मॉडल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, और वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जब आप उसको करेंगे तो आपका वहाँ पर आ जाएगा माइनस, अगर आप ले इसमें तो चेंज इन प्रेशर बटे में आपका जो आएगा उसमें चेंज इन वॉल्यूम बटे में आपका वॉल्यूम, तो उसको अगर हम उल्टा कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगी के की हमारी, ये बल्क मॉडल्स का बता रहा हूँ आपको, तो वन अपॉन यहाँ हो जाएगा ये इसमें डी वी बटे में आपका यहाँ आ जाएगा वी आपका डी पी। ठीक है ना, ये आ जाएगा इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है कुछ और प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने रखा, अब इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाव पे इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इन विच द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर इज नोन एज, तो कह रहा है वो प्रॉपर्टी जो है लिक्विड की किस टाइप की प्रॉपर्टी है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपस में एक दूसरे बहुत ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधेशन कहेंगे, कोहेशन कहेंगे, या फिर सरफेस टेंशन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाएगा जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वह हमारा बनेगा आपका कोहेशन। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद अनदर बॉडी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो आपस में ना होकर के थर्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में, सपोज हमने अगर किसी वेसल में डाला तो वेसल की सरफेस को उन्होंने गीला कर दिया, तो अनदर बॉडी के कॉन्टैक्ट में वो आ रहे हैं मतलब, और आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है उनका, तो वो प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी अधेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन, या इनमें से कोई नहीं, वो कहलाएगी हमारी अधेशन। चलिए नेक्स्ट आपका, द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एक्युमुलेटेड वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज, जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट हुआ है एक्युमुलेटेड वेपर ऑफ द लिक्विड से किस सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधेशन कहेंगे या सरफेस टेंशन कहेंगे या कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे या इनमें से कुछ नहीं कहेंगे, तो एक्चुअली जो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन का इसमें इसका जो राइट आंसर है इसमें ये होना चाहिए था नन ऑफ दीज, यहाँ पर नन ऑफ दीज, तो क्या होना चाहिए था, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर नन ऑफ दीज कर दिया, तो आप बताइए कि इसमें राइट आंसर तो उसका डी हो गया कि इनमें से वो ऑप्शन है ही नहीं, अगर वो इनमें से ऑप्शन है तो ऑप्शन क्या है इसका, इसका जो आंसर है वो आएगा आपका वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया अधेशन, सरफेस टेंशन और आपका कंप्रेसिबिलिटी और साथ में ऑल ऑफ दीज कह लो, तो इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही आएगा नन ऑफ दीज का ऑप्शन रहेगा, तो नन ऑफ दीज मान लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या था, राइट आंसर इसका था वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड विच डिस्क्राइब द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है फ्लूड की, अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए तो चेंज इन वॉल्यूम, उसके जो वॉल्यूम इसमें चेंज आ रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल किसी बाहरी प्रेशर के कारण, तो उस एट ए दिए हुए टेम्परेचर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर, अधेशन, बल्क मॉडुलस, नन ऑफ दीज, तो इसमें आएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से वो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या था इसका, वेपर प्रेशर भी नहीं है, अधेशन भी नहीं है, बल्क मॉडुलस भी नहीं है, और आपका नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हम यहाँ टिक कर देंगे कि इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, तो एक्चुअली ऑप्शन फिर था क्या इसका, इसका जो ऑप्शन था वो था आपका कंप्रेसिबिलिटी, क्या था, कंप्रेसिबिलिटी, राइट आंसर इज कंप्रेसिबिलिटी आएगा इसका, तो वो ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो इसलिए क्या होगा इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव
टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस टू आपका हो जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो क्या आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा, एडहेशन कहलाएगा, बल्क मॉडुलस कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा, सी बटे में आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वी एस, तो ये जो अनुपात है ये क्या था हमारा बल्क मॉडुलस, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज, तो चेंज इन वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, बल्क मॉडुलस होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगा, वो होगा हमारा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज, अगर बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाएगा हमारा, वेपर प्रेशर कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा, बल्क मॉडुलस कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कंप्रेसिबिलिटी, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लिक्विड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड इंक्रीज्ड देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द फ्लूड, अब देखो यहाँ पर केस है लिक्विड का जिसमें कि हम टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हैं तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा, घटेगा या सेम वैसा ही रहेगा या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका बी है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो घटेगा इन केस ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ गैसेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द लिक्विड नहीं आएगा, गैस आएगा यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द गैस गैसेज, तो क्या होगा उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द गैसेज क्या होगा, वो आपका इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, रिमेन सेम आएगा, नन ऑफ दिस, राइट आंसर इज ए, इंक्रीज्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल अफेक्ट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ गैस, इनमें से जो है आपका कौन सा जो है इफेक्ट जो है आपका कौन सा वेरिएबल जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ गैस को इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, गैस की केस में आपका टेम्परेचर प्रेशर जैसे बढ़ेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बढ़ेगा और दोनों घटेंगे तो वो भी घटेगा, तो दोनों ही वेरिएबल जो है काम करेंगे आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन केस में। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स को थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्ज़ाम के, तो कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, तो अमेज़ॉन पे आपको जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मशीन डिज़ाइन का आपका सिलेबस है MPSC और आपका TSPSC में और अदर स्टेट्स का जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हेल्प करेगी ये मशीन डिज़ाइन की ई बुक, इसमें आपको जो है एटलीस्ट 600 MCQs मिल जाएंगे जो मेन मेन आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन आ जाएगा, आपका रिविट एंड वेल्ड जॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आपका कोटर आ जाएगा, नक्कल आ जाएगा, शाफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना, और आपका जो इसमें नक्कल जॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो उन सभी के जो हैं MCQs दिए हुए हैं, तो उनको उनसे आप अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। इसके साथ थ्योरी ऑफ मशीन की जो है ये आपको जो बुक है ये भी आपको अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस बुक को आप ले सकते हैं, इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके MCQs बेस्ड हैं और चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, तो आपकी प्रिपरेशन में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर जो आपके सामने रखा, आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, तो अगर नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उसमें आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी है, इनमें से किसी एक टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास जो आपका अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग जो है वो होगी आपका मंडे में। ओके, थैंक यू।